कि अब यहाँ भी आप लोग फिर से देखने को मिला वही प्यार वही सम्मान? जी बिल्कुल, हमेशा अच्छा ही लगता है। जैसे हम कल भी प्राइम मिनिस्टर जी से मिले, और उसके बाद आज आर्मी का भी था प्रोग्राम, चीफ ऑफ आर्मी से मिले, और आज यहाँ पे FI की तरफ से है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मेन बात होती है जब सभी खिलाड़ी साथ में होते हैं तो एनर्जी दोगुनी हो जाती है उस वहाँ पे। कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पे अकेले जाना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ जब बाकी एथलीट्स भी वहाँ पे हों, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा अच्छा लगता है कंट्री के लिए मेडल जीत के, और जो कंट्री फिर हमको वेलकम करती है तो बहुत अच्छा लगता है। जो बनाना था इस बार 100 के पार, सब बोले थे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लग गई, लेकिन 107 मेडल आए, ओवरऑल 107 मेडल पे क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो लगा था कि हाँ थोड़ा ज्यादा है, पर जिस तरीके से एथलीट जब शुरू हुए, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, और जब एशियन गेम्स में मेडल आने लगे, सबसे बड़ी बात थी कि मैं काफी एथलीट से मिला वहां पे, और जो इस बार जो फियरलेस थे, और जो उनके अंदर जुनून था और जो कॉन्फिडेंस था, वो बहुत ही अलग लेवल का था। सबसे मेन बात रहेगी कि हाँ बिल्कुल एशियन गेम्स में बहुत बढ़िया रहा, लेकिन देखना यह कि अभी पेरिस ओलंपिक्स के लिए कैसे हमारी तैयारी रहती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वहां पे भी ऐसे ही कुछ अलग रिकॉर्ड्स टूटे जो मतलब बिल्कुल अलग हो, जैसे यहाँ पे किसी ने सोचा नहीं था लेकिन ऐसा काम कर दिया, तो वो एनर्जी अभी लग रही है अपने एथलीट्स में कि हाँ कर देंगे वो पेरिस में भी, तो वहां पे हो। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।